इंद्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, इन पांचों इंद्रियों से जानने वाला नहीं हूं। ज्ञान से जानने वाला शुद्धात्मा यही मैं हूं। चैतन्य की सत्ता के बाहर मेरा कहीं अस्तित्व नहीं है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी मैं अखंड एक भगवान आत्मा मनुष्य के शरीर के परमाणु तिर्यंच के शरीर के परमाणु देव और नारकी के शरीर के परमाणु किसी भी शरीर के परमाणु जिस चैतन्य तत्व में प्रविष्ट हो ही नहीं सकते, ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूं। शरीर की रचना कर्म के उदय का परिणाम है। मैं चैतन्य तत्व कर्म से न्यारा, कर्म के उदय से न्यारा, कर्म के उदय से प्राप्त देह से न्यारा, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। आनंद स्वरूप ही हूं मैं, स्वयं आनंद हूं। मेरी चैतन्य सत्ता जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसा आनंद 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 मैं भगवान आत्मा। आनंद का कंद हूं, राग और द्वेष के भाव दुख का भाव चैतन्य सागर में बाहर तैरते हैं। कोई भी विकार बाहर तैरता है, सागर में तो चैतन्य 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 यही मैं हूं। देह की प्रशंसा वाणी की प्रशंसा
विकल्पों की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है। देह की निंदा वाणी की निंदा विकल्पों की निंदा मेरी निंदा नहीं है। प्रति समय यह जागृति रहे, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। शरीर के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं स्वयं के कारण टिकने वाला चैतन्य परमात्मा हूं। इस राख की दीवार के कारण मेरा होना नहीं है, मैं अनादिकाल से अपने कारण जीने वाला भगवान आत्मा हूं। मैं आहार पानी से जीने वाला नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। मैं श्वासोश्वास से जीने वाला नहीं हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। मैं आयुष्य कर्म के उदय से जीने वाला नहीं हूं, सिद्ध अवस्था में आयुष्य कर्म ही नहीं उदय भी नहीं फिर भी जीवन है। मैं चैतन्य तत्व अपनी चैतन्य सत्ता के कारण हूं। जानना 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 यही मेरा जीवन है। जानना 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 ही मेरा जीवन है। राख की दीवार पड़ोस में बने हुए पुतले के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मैं मांस नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं, मैं खून नहीं हूं, मैं विष्टा नहीं हूं। जब ये मलिन पदार्थ मैं नहीं हूं तो शरीर में कैसे हो सकता हूं, क्योंकि शरीर तो इन मलिन पदार्थों का ही समूह है। मैं मांस नहीं, खून नहीं, हड्डी नहीं, विष्टा नहीं, इसलिए मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। शरीर के अंग का घात हो तो मेरा घात नहीं, शरीर के परमाणु बैर बिखेर होकर के उड़े तो भी मैं चैतन्य परमात्मा बैर बिखेर होने वाला नहीं। मैं
मैं देह का गुलाम नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा मांस के थैले में शोभा नहीं देता। यह पद मेरा पद नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा इस मांस के थैले से मुक्त होकर अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होने वाला। मांस की दुकान के पास जाने से बचने वाला, मांस के ढेर में क्यों बंध है, क्यों मुक्त होना नहीं चाहता इस मांस के ढेर में से? और एक ही उपाय है, ये मांस का ढेर ये मैं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा यही मैं। कोई प्रशंसा करे तो भी मुझे क्या, कोई निंदा करे तो भी मुझे क्या, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं भगवान आत्मा, कितने ही प्रयास करने पर भी किसी भी पर पदार्थ को मैं अपना बना सका नहीं, बना सकता नहीं, फिर भी पराये को अपना बनाने की चेष्टा ही संसार है। अब मैं अपने चैतन्य स्वरूप में लीन होता हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व कभी सोता नहीं, इसलिए कभी उठता नहीं, जो सदा काल जागृत है यही मैं। जिसका कार्य कदापि रुकता नहीं है, जो सदा कार्यरत है, जो सदा ही कार्य करता ही है, ये चैतन्य में कार्य ऐसा कि जानना 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 जानना। यही मैं। शरीर की ओर ध्यान न जाए, ऐसी शरीर की दशा हो जाए, शिथिल हो जाए, फिर भी यह जागृति, शरीर में शक्ति नहीं रही, ये जानने वाला कौन है?
किसने जाना शरीर में शक्ति नहीं रही, ये जानने वाला शक्तिशाली भगवान आत्मा है। जानना ही शक्ति है, जिसने जाना कि शरीर में शक्ति नहीं रही, ये जानना यही शक्ति है, यही ज्ञान शक्ति है, यही आत्मा की शक्ति। जानना 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 जानना, ये शक्तिशाली भगवान आत्मा किसी भी पदार्थ से प्रभावित न होने वाला, ऐसा जिसका स्वरूप है यही मैं, यही मैं। मेरे कोई माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं, मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं। माता पिता शरीर के हैं, माता पिता शरीर के हैं, भाई बहन शरीर के हैं, पुत्र पुत्री शरीर के हैं। जब शरीर ही मैं नहीं, तो माता पिता मेरे कैसे, भाई बहन मेरे कैसे, पुत्र पुत्री मेरे कैसे। मैं चैतन्य तत्व, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य परमात्मा। राग की दीवार का पड़ोसी, शरीर क्षीण हो जाए, शरीर ढल पड़े, फिर भी अंतर में जो अनंत सामर्थ्यवान, अनंत शक्तिशाली जो परमात्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं, यही मैं। भगवान आत्मा जड़ परमाणु नहीं हूं, निरंतर ये ज्ञान का परिणमन, निरंतर ये ज्ञान की ऐसी अवस्था, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से जो प्रभावित नहीं होता, वह ज्ञान दर्पण। मैं स्वयं ज्ञान दर्पण हूं। आग के प्रतिबिंब से दर्पण में आग नहीं चली जाती, दर्पण तो दर्पण है। पेट में जलन हो, आग लगी हो, मगर चैतन्य ज्ञान दर्पण में पेट में जो जलन लगी आग, चैतन्य दर्पण में, ज्ञान दर्पण में कहीं पर भी नहीं चली जाती। राग का भाव यह आग है, राग का भाव ज्ञान दर्पण में जानने में तो आता है, प्रतिबिंबित तो होता है, मगर ज्ञान दर्पण में राग का विकल्प कहीं पर भी प्रविष्ट नहीं होता। आग ज्ञान दर्पण में कहीं नहीं जाती। यह ज्ञान दर्पण यही मैं हूं, यही